तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, अभी लाइट जली भी नहीं है, बाकी पानी है। तो यहाँ पे आप जो है हल्की से तो दोस्तों आप ये बेड देख सकते हैं जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ननी हाल में आ करके ऐसे सोते थे। नीचे से वो दूसरी चीज़ है, लेकिन जो ऊपर आप बेड देख सकते हैं चारपाई, तो वो है ये नानी जी की माता जी ना, गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जो माता जी हैं, तो इतने बड़े जो उस टाइम पैन या आप देख सकते हैं बर्तन, इसमें आटा वगैरह खाने की चीज़ें गूंथा करती थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर। सो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, 10:30 बजने वाला है और अभी हम निकल रहे हैं अम्बाला के लिए। अम्बाला ऐसे ही किसी से मिलने हम जा रहे हैं और शाम तक वापसी कर लेंगे लुधियाना में। तो भाई अभी तो इंतज़ार हो रहा है बस का, और ऐसे टाइम पे यार अपने टाइगर को मैं काफ़ी मिस करता हूँ, क्योंकि कहीं भी ट्रैफिक नहीं रहता, कहीं भी वेट नहीं करना पड़ता अपने टाइगर में। तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं बस का शेरपुर चौक पे। तो दोस्तों यहाँ पे अम्बाला पहुँच गए। अम्बाला में सबसे पहले मिलते हैं अमनदीप भाई जी, जो कि यार धाम में भी मिले थे और बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो देखते ही हैं और मैसेज भी कर रहे थे कि कब आ रहे हो कब आ रहे हो। आज सुबह शॉर्ट डाली और पता चल गया और आ गए काम धाम तो, छोड़ करके। और क्या, हम तो भैया आपकी वीडियो ही देखते हैं और आपके आपको मिलने आया स्पेशल में तो। हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे अनजान शहर में ना कोई भी मिले तो ऐसे लगता नहीं कि पहली बार आ रहा, ऐसे लग रहा मैं पता नहीं कितनी बार अम्बाला आया हूँ, जबकि आया फर्स्ट बार हूँ। तो ऐसे ही लगता है आप लोगों से मिलकर। और बाकी वीर जी से तो देहरादून मिल गया था। देहरादून अभी हमने भी जाना ही है देहरादून तो। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे तो अगले साल आओगे हेमकुंड साहिब? हेमकुंड साहिब तो आना ही आना है। नहीं, वो वाले वीर जी मना कर रहे थे ना। नहीं, वो भी आएंगे, उनको तो मैं जबरदस्ती लेके आऊंगा। वो बोल रहे थे बच्चा छोटा है, वो बहाना बना रहा था। मैंने कहा दो दिन के लिए क्या हो जाता है। आएंगे आएंगे, वो भी आएंगे, हम भी आएंगे, सब भी आएंगे। तो अच्छा लगा यार आपसे मिल करके, अभी काम छोड़ के आए तो अभी काम पे लौटेंगे। जरूर, तो चलो फिर, ठीक है भैया, ओके। तो जी यहाँ पे मिलिए सनी सर से, जो कि धाम में भी आपको मिले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हो सर? बढ़िया जी, बढ़िया, आप सुनाइए। तो सर जी तो काफी दिनों से बोल रहे थे पापा को भी कि आ जाओ मिलने। आ जाओ, गौरव भाई को बोला है? नहीं, मैंने तो पापा को बोला है। वही मैं बोला ना, पापा को, पापा की मर्जी से ही आएंगे गौरव भाई। नहीं नहीं, मैं तो घूम रहा हूँ इधर उधर। तो अम्बाला पहुंच चुके हैं और अभी जो है सनी सर के घर पे हम जा रहे हैं। तो भाई सर के घर पे पहुंच गए। ये जी, तो सनी सर के घर पे हम पहुंच गए। तो सबसे पहले हम ना अंकल जी से मिले हैं, जो कि सनी सर जी के पिताजी हैं। तो ये देखे, कितनी एज है सर आपकी? 68। और ये ना सर जो है लगभग 20 साल तक लगातार ही श्री हेमकुंड साहिब गए हुए हैं। अब थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से ना तो कम जाते हैं अब, है ना। तो यहाँ पे देखे ये बेटा भी आ गया है। कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज छुट्टी? हाँ। आज संडे की छुट्टी? गया था। अच्छा अच्छा, तो आज संडे की छुट्टी है। खेलने नहीं गए आज क्रिकेट? नहीं, अभी नहीं, शाम। तो आएंगे अगले साल? तो आप सर को ना रोपे का इंतजार है, तो जरूर एक दो साल में कम्प्लीट होगा तो आएंगे सर। तो यहाँ पे देखो छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची, क्या नाम है आपका? ये देखो, ये कौन? क्या नाम है? नहीं 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 बताओगे? नहीं, यहाँ पे बैठे सनी सर के साथ। तो देखिए अंकल जी है और यहाँ पे एक और अंकल जी आए हैं मिलने के लिए, और वीर जी भी आए हैं। तो वीर जी को सबसे पहले हैप्पी एनिवर्सरी, आज हैप्पी एनिवर्सरी है उनके, कॉन्ग्रेचुलेशन मेहनी मेहनी। और अभी जा रहे हैं देखो इतनी जल्दी। कोई काम है? काम है, बेटी को ट्यूशन छोड़ना। अच्छा, बाकी सर भी आए थे क्लोजिंग डे के दिन, तो अच्छा। गुरु की कृपा से 94 से लगातार आ रहा हूँ, करीब 7 बार, 2 बार क्लोजिंग पर भी भगवान दर्शन करते हैं, इस बार भी गया था, लेकिन वहाँ गौरव के दर्शन नहीं हुए, ये बिजी था वहाँ पर। मैं होटल में भी गया इनका। हाँ जी। बाकी बहुत अच्छा बच्चा है, एक दो बार मिला है, भगवान ने इसको लंबी उम्र दे और इसी तरह सेवा करता रहे।
और आप लोगों से मुलाकात करवाता रहे। हाँ जी, तो मुझे तो अच्छा लगता ही है आप लोगों से मुलाकात करना। बाकी सर जो है ना 20-25 सालों से लगातार जा रहे हैं 94 से ना, तो बहुत बड़ी बात है। इतना मतलब दूर होता है, चढ़ाई भी होती है ऑक्सीजन लेवल की, तो इस एज में जाना मतलब पॉसिबल मतलब बहुत कम होता है, तब भी जाते हैं श्रद्धा के अनुसार। सर तो मतलब गए हैं 20 सालों से पहले। ऐसे ही रोप वे शुरू होगा तो उस साल ये मेरे साथ जरूर जाएंगे हम। तो अब रोप वे का इंतजार है तो जल्द। तो जी अभी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा हम जा रहे हैं, तो आंटी जी भी आ रही है ना, आप भी आ रहे हैं, आंटी अंकल जी सब आ रहे हैं। तो सर से पूछते हैं हम जा कहाँ रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब। हाँ जी, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का ननिहाल है। हम वहाँ खेला करते थे, वहाँ खेला करते, मामा कृपाल दास की जगह वहाँ पर। मिक्सी बना रखी है। तो यहाँ की खासियत नॉर्थ एरिया का सबसे बड़ा एयरबेस, सर ने बताया कि यहाँ है एयरपोर्ट एयरबेस है, जो एयरफोर्स के अंदर कंटोनमेंट एरिया है वो थोड़ा आगे है। अच्छा अच्छा, तो बहुत कुछ है अंबाला में। और जो यहाँ पे क्लोथिंग का जो साड़ी होती है, तो जो अंबाला है तो काफ़ी फेमस है कपड़ों के लिए। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं लखनऊ साहिब। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि जुड़ी हुई है सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बारे में। तो बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है क्योंकि यहाँ ना क्राउड कम है, क्योंकि लोग कम जानते इस पवित्र जगह के बारे में, इसलिए क्राउड कम है। बाकी भव्य गुरुद्वारा है, बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा दिन का समय है, 3 बज रहे हैं आसपास, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है ये। तो यहाँ पे देखिए बाहर पे ना बाबा जी लोग सेवा करते हैं यहाँ पे अभी गुरुद्वारा साहिब के अंदर बाहर पे, तो काफ़ी एजेड भी हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा है, बाकी देखो वो आपको बता सकते हैं। तो बाबा जी से मैं जानना चाहता हूँ कि इतिहास के बारे में कुछ बताइए बाबा जी। दसवें पातशाह थे नानके पिंड में अपने में पहले बार इतनी आए, उसे पहला होर कहीं नहीं गए थे। अच्छा, पूरा वे 6 महीने रहे बच्चा गल खेले। हाँ जी, पूरा बहुत गौतम करे महाराज ने। एक यो 2 किलोमीटर गेंद्र साहब गुरुद्वारा, एक राख सर्फ की जुनीमा पड़े हुआ था। वॉइस वो थोड़ा शॉर्ट ले रहा आप बोले। किसी भी बिना मेहनत। तो सबसे पहले यहाँ पे आते ही अपने सांत साहब के दर्शन कर लेंगे। और ये जो गुरुद्वारा है वो अंबाला में है, अंबाला से ज़्यादा से रोड से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छी रोड है, बाकी अच्छा नज़ारा है चारों तरफ। बाकी अंदर जाएंगे हम दर्शन करने। तो ये है ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब, जहाँ अंदर दर्शन करके हम आ गए लखनऊ साहिब गुरुद्वारा। कहा जाता है कि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, जहाँ ननिहाल कह सकते हैं ननिहाल यहाँ था, लगभग 6 महीने यहाँ पे रहे थे, अपना बचपन गुजारा था, व्यतीत किया था। और पास की एक और एक ऐसी जगह है जहाँ पे राक्षस रूपी एक सांप कह सकते थे, जो है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी उनका संहार किया था, उस राक्षस को मार गिराया था। तो जो है जो कोढ़ की बीमारी जिनको हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि हमारा भी उद्धार करिए। तो पास में एक सरोवर था, तो उन्होंने कहा उस पर नहलाया, उन जो कोढ़ की बीमारियाँ थी वो भी दूर किए। तो कुछ ऐसे करिश्मा भी करते थे अपने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। बाकी आगे ऐसी जगह दिखा दे जहाँ पर वो सोते भी थे बचपन में, 6 महीने जब वो यहाँ ननिहाल में रहे तो सोते भी थे, वो जगह भी दिखाएंगे। यार बहुत सौभाग्य मिलता है ऐसी पवित्र और ऐतिहासिक जगह देखने का। चलते हैं अंदर। पुराने जमाने के ही पावे हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 2 बेड थे। हाँ हाँ हाँ,
ये वही ये जो ऊपर पर रखे हुए ना इन्होंने जमीन से, ये वही है पुराने जमाने के। अच्छा, तो दोस्तों आप ये बेड देख सकते हैं जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने निहाल में आ करके ऐसे सोते थे। नीचे से वो दूसरी चीज़ है, लेकिन जो ऊपर आप बेड देख सकते हैं चारपाई, तो वो है ये। इनकी माता जी जब वो बूंदा करते थे आटा, ये रे ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जो माता जी हैं, तो इतने बड़े जो उस टाइम पैन या आप देख सकते हैं बर्तन, इसमें आटा वगैरह खाने की चीज़ें गूंथा करती थी। ये पावे हैं उसके, पलंग के। अच्छा, पलंग के पावे भी हैं, देखिए कितने मजबूत और बड़े दिख रहे हैं। हाँ। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था ये हुक्मनामा, कुछ लिखा होगा, कुछ उन्होंने उपदेश या कुछ हमें शिक्षा दी होगी। हाँ चलो, कोई वो तो दिखा देंगे। तो कुछ ऐसा है म्यूजियम जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज के कुछ यादगार मेमोरी हमें आज तक देखने को मिलती है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ कि इतनी सारी चीज़ें संभाल के रखी है, बिस्तर वगैरह और भी बहुत चीज़ें, तो ऐतिहासिक है, बहुत पवित्र जगह है। अच्छा, तो जो ये लिखा है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, उनकी फ़ोटो फ्रेम कुछ ऐसे अलग से रखी है, बाकी ये उनकी ही हैंड राइटिंग है। ये हैंड राइटिंग है। हाँ, ये मतलब कुछ इतनी ऐतिहासिक जगह यहाँ पे रहा करते, उनकी चीज़ें भी अभी भी संरक्षित रखी गई है, बिल्कुल सेफ रखी गई है, आप दर्शन करने आ सकते हैं इस खूबसूरत सी जगह, क्योंकि यहाँ क्राउड बहुत कम है ना, आपको खुले बहुत प्यारे से दर्शन होंगे, बहुत अच्छे से मत्था टेकेंगे। छोटा सा गार्डन भी है, बाकी व्यू आसपास का बहुत ही खूबसूरत लगता है गुरुद्वारा साहिब। अब भाई मेरे को पता नहीं था ऐसे भी यहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब होंगे, बहुत मतलब अचानक ही प्लान बना और सर ने बुलाया, तो अच्छा लगा कि ऐसी जगह देख करके जहाँ पे अपने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की चीज़ें जुड़ी हुई है, उनका मतलब बचपन गुजरा कुछ। अब दिखाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ से पहले पानी को, पीने का पानी जो है निकाला जाता था कुएं से, तो कुछ ऐसे यहाँ नीचे जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो बाउली साहिब करके है ये जगह का नाम। तो चलो भाई, थोड़ा अंडरग्राउंड है, बहुत ही अच्छा है, ये देखें। तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, अभी लाइट जली भी नहीं है, बाकी पानी है, तो यहाँ पे आप जो है हल्की से ये देखें, बिल्कुल साफ क्लियर पानी लग रहा है। देखो लोगों ने जैसे फूल वगैरह डाले हुए हैं चढ़ावे के लिए, तो उसके बावजूद भी देखिए पानी कितना बिल्कुल साफ लग रहा है, शुद्ध सा पानी। यहाँ पे भी जो है सीढ़ियाँ अंदर तक है, तो स्नान भी लेते रहे होंगे पहले लोग, बाकी पीने का पानी रहा होगा उस टाइम पे उस जमाने में। तो आप गुरुद्वारे साहिब के अंदर प्रवेश करने से पहले आप स्नान भी ले सकते हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है गुरुद्वारा साहिब, और यहाँ पे लोग ना सरोवर के पास आकर के स्नान लेते हैं, और सरोवर बिल्कुल ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, क्लीन क्लियर और बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो अभी मैं बाहर से ही वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैंने शू पहन लिए हैं, तो कुछ इतना बड़ा है देखिए, वाह। तो पानी है बिल्कुल शुद्ध, और वहाँ पर आप स्नान लेते हो, तो कुछ ऐसा है भाई। गेट अभी लगा हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन जारी है, बाकी स्नान लेने का टाइम नहीं है, अभी 4:30 हो गए शाम के, बाकी जब भी आएँ तो कुछ ऐसा रहेगा आपको बाहर पे स्नान करने के लिए सरोवर, और अंदर जाके आप दर्शन और हिस्ट्री देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं गेंदसर साहिब का गुरुद्वारा, और यहाँ पे हम पहुँचे बिल्कुल जो लखनौर साहिब था वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे एक गुरुद्वारा है, जो कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यहाँ की भी एक रोचक स्टोरी है, रोचक कहानी है यहाँ की भी, जो अभी आगे आगे सुनाते रहेंगे थोड़ा सा विज़िट करते करते। बाकी यहाँ का परिसर कैंपस अच्छा है, खूबसूरत है, और चलो आगे चलते हैं। तो फ़िलहाल कुछ ऐसा है, यहाँ पे धूप अच्छी खासी है, और काफ़ी अच्छा सुकून शांति जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और कुछ यहाँ पे निशान साहिब देखे, वाह। तो जी अब दर्शन करने जाते हैं यहाँ पे अंदर, तो बहुत ही खूबसूरत जगह सी है, देखिए।
तो गेंदसर साहिब के अंदर से हम जो है दर्शन करके आ चुके हैं, और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़ाया जाता है वहाँ पे ना आपने देखी होगी गेंदे रखी थी, बल्ले रखे थे और हॉकी की स्टिक्स रखी थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो है बचपन यहाँ पे गुजरा था, तो खेलते कूदते हुए वो यहाँ पर भी आते थे। जो हॉकी का एक गेम होता था जिसको हम आज हॉकी कहते थे, वो खेला करते थे यहाँ पे। इसलिए किसी भी लोगों की जब मनोकामनाएं यहाँ पे आकर के पूर्ण होती है तो वो चढ़ावा कुछ इस तरीके से भी देते हैं। और दूसरी जगह यहाँ के इतिहास के बारे में कि उन्होंने यहाँ पे एक सर्प रूपी राक्षस का संहार भी किया था, उनको मारा था, क्योंकि कहा जाता था कि वो गांव में जगह जगह वो सर्प जो है दूध वगैरह पी लेता था, और एक चल राक्षस के रूप में मतलब किसी का अहित करना उनका काम था। तो जो है उन्होंने यहाँ पे जो है जो राक्षस रूपी सर्प था उसका भी संहार किया, उनको भी मारा था। और दूसरी चीज़ कहा जाता है कि यहाँ पे जो कोढ़ की बीमारी हुआ करती थी लोगों को, उनका भी उन्होंने इलाज किया था गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने। तो वो जो सरोवर मैं आपको दिखाऊंगा, पवित्र सरोवर जहाँ से बीमारी दूर होती थी कोढ़ की बीमारी, तो ये है सरोवर, वो ये पवित्र सरोवर जहाँ पे आकर के स्नान उन्होंने मतलब कोढ़ों की बीमारी को दूर किया था। और उन्होंने उस टाइम कहा था कि जब भी कोई सच्चे दिल से सच्चे मन से यहाँ पे आकर के इस सरोवर में स्नान लेगा तो उनकी भी बीमारियाँ दूर होगी। और ऐसा होता भी है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है ये चीज, ये जगह सबूत है। तो वही बोलते हैं ना कि मानने वाले जो भगवान को वाहेगुरु जी के देखने के लिए मतलब जगह है बहुत है, बस अपने दिल में एक भावना होनी चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर, विश्वास फेथ होना ज़रूरी है, तो भगवान हर जगह है। तो कुछ ऐसा वो सरोवर और कुछ एक ऐसी जगह जहाँ गेंद खेलते खेलते आ गए थे, तो तभी से इस जगह का नाम जो है गेंदवाड़ी जो है जगह का नाम रखा गया है। बहुत अच्छा लगा मुझे, निशान साहिब के भी आप दर्शन कर दीजिए। और फिलहाल स्पेस बहुत बढ़िया है, होप्स हो कि आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, बड़े बड़े गुरुद्वारे साहिब में सब लोग जाते हैं, ये थोड़ा इनसाइड एरिया है जहाँ पे गांव वगैरह है, तो यहाँ भी आप आ सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और स्पेस है यहाँ पे, पार्किंग वगैरह सब कुछ होती है। बाकी चलो यार एक बार दर्शन कर लिए, बहुत 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 अच्छा लगा ये देखिए। हंसी लंगर हॉल भी है इधर, तो लंगर भी आप चख सकते हो। बाकी जो है दर्शन किए हमने, अब चलते हैं सरोवर। तो फिलहाल हमको अम्बाला में ही लगभग 5 बजने वाले हैं, और सर ने इतनी अच्छी जगह घुमाई है, ऐतिहासिक जगह, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी लौट लेते हैं, फिर लुधियाना में भी पहुंच रहे हैं आज शाम के रात तक, तो चलो जी चलते हैं। तो जो आपने एक लाइन सुनी होगी महाराज जी द्वारा, तो ये लाइन थी, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊँ, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो जो कहावत, जो एक लाइन है जिसको आज पूरी दुनिया भर के लोग जानते, तो यहीं से उन्होंने कहा था। और किस मतलब स्टोरी के बाद उन्होंने कहा था, कुछ मतलब जो कुछ हुआ था उसके बाद उन्होंने ये कहा था, तो वो अभी आगे बताएंगे, पहले दर्शन कर लेते हैं।